ए हैप्पी लाइफ बाई सर हेनरी मार्टिन। करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री की पहली कविता है। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आवर डॉट दैट सर्व्स नॉट मदर्स विल हूज फार्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रुथ हिज अटमोस्ट स्किल हूज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर हूज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ Untied to the world with care of princely love or vulgar beef, who hath his life from rumor feed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter speed, nor view make oppressors great, who invades none, whom chance doth rise, nor wise, nor who never understood that how deepest wounds are given by his with praise. Not rules of state, but rules of good, who God doth late and early pray, more of his grace than gift to lend, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. This man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself, though not of lands, and having nothing he hath all. Character of a happy life. हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन की विशेषताएं। हाउ कैन ए मैन हैप्पी इन हिज लाइफ, जीवन में व्यक्ति प्रसन्न कैसे हो सकता है। ये सर हेनरी वाटन द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण कविता है और इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति साधारण जीवन में एक प्रसन्न चित्त जीवन जी सकता है, कैसे अपने जीवन को वो खुशहाल बना सकता है। तो इसमें विभिन्न प्रकार के टिप्स बताए गए हैं कि कैसे कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है, जीवन में प्रसन्न कैसे हो सकता है। संपन्नता अलग चीज होती है, प्रसन्नता अलग चीज होती है, तो कम में भी लोग कैसे अपना प्रसन्नचित जीवन जी सकते हैं। तो पहला स्टेंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल Whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill? How happy is he born or taught? वो कितना प्रसन्न शिक्षा से या जन्म से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होगा? That serve not another's will, जो दूसरे की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। Serve माने गुलाम होना, नॉट एनोदर्स माने दूसरे की, बिल माने इच्छाओं का। वो व्यक्ति प्रसन्न हो सकता है जो व्यक्ति दूसरों की इच्छाओं का गुलाम नहीं है। द पर्सन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ इज नॉट स्लेव टू एनोदर मैंस बिल हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदारी पूर्ण विचार है। द पर्सन Whose armor is his honest thought means the person who has honest thought can be happy in his life. The person who is protected by his honest thought can be happy in his life. And simple truth his utmost skill. And simple truth his utmost skill. Simple truth माने साधारण सत्य, his utmost skill उसकी सर्वोत्तम प्रवीणता या कौशलता या विशेषज्ञता, सत्य में ही जिसकी विशेषज्ञता है वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न हो सकता है। तो इस स्टेंजा में चार चीजें बताई गई हैं कि तीन चीजें बताई गई हैं कि हाउ ए मैन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ। द पर्सन हु इज नॉट स्लेव मीन्स द पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट, द पर्सन हु हैज लिबर्टी, द पर्सन हु हैज ऑनेस्ट थॉट, द पर्सन हु हैज हु इज ट्रूथफुल कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ। जीवन में प्रसन्न रहने के लिए व्यक्ति को किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। प्रसन्नता के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है, ऑनेस्टी ईमानदारी आवश्यक है और सत्यनिष्ठा आवश्यक है। तीन चीजें बताई गई कि तीन चीजों के द्वारा व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। उसके बाद अगला स्टेंजा है, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लव आर वल्गर बीथ
हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर सर। पैशंस मीन्स इच्छाएं, इच्छाएं तीव्र इच्छाएं। द पर्सन पैशंस नॉट हिज मास्टर सर। तीव्र इच्छाएं मतलब लालच, लोभ, मोह, जो हार्ड डिजायर्स होती हैं जिसके पीछे आदमी सब कुछ भूल जाता है, तो उनकी जो तीव्र इच्छाएं हैं वो उनकी मालिक नहीं है। एक प्रकार से द पर्सन हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर मीन्स द पर्सन हु इज नॉट स्लेव टू हिज पैशन। द पर्सन हु इज नॉट स्लेव टू हिज पैशन कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ। जीवन में जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है वो जीवन में सफल हो सकता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ। द पर्सन हु जो प्रिपेयर्ड माने तैयार है, फॉर डेथ माने मरने के लिए, जो व्यक्ति मरने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो जीवन में प्रसन्न रह सकता है। मीन्स द मैन हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ कैन बी हैप्पी इन हिज लाइफ। व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरता है वो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। भय, मृत्यु का भय जीवन व्यक्ति को कभी जीवन में प्रसन्न नहीं होने देना चाहती, इसलिए निर्भयता का गुण जो है वो आदमी को प्रसन्न चित्त बनाता है। अनटाइड अनटू द वर्ड विद केयर ऑफ प्रिंसली लवर वल्गर डीप। अनटाइड, टाइड माने बांधना होता, अनटाइड माने बिना बंधा हुआ। अनटू द वर्ड विद केयर, सांसारिक चीजों से मुक्त। केयर ऑफ प्रिंसली लवर वल्गर डीप, दो प्रकार की चीजें होती हैं, एक प्रशंसा होती है एक आलोचना होती है। तो प्रशंसा और आलोचना को समान भाव से ग्रहण करने वाला व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। जो व्यक्ति, लोग क्या कहेंगे या बड़े लोग हमारी प्रशंसा करेंगे कि नहीं करेंगे, या जो निम्न लोग हैं वो हमारी आलोचना करेंगे, निंदंत नीत निपुणा यदि वह अस्तवंत वाली भावना के हिसाब से जो व्यक्ति काम करता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। तो जो सांसारिक जो प्रशंसा और आलोचना से जो व्यक्ति परे है, जो मुक्त है, वो व्यक्ति जीवन में सफल हो सकता है। तो संक्षेप में, वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं है, जो मृत्यु से डरता नहीं है, और जो सांसारिक आलोचना और प्रशंसा को समान भाव से ग्रहण करता है, वो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। अ मैन हु वांट टू बी हैप्पी इन हिज लाइफ ही मस्ट बी must not be slave to his desire, he must be fearless and he must be indifferent to the praise and the criticism. Who hath his life from rumor feed, who consigns it his strong retreat, whose state can neither flatterers feed nor view make oppressors greed. Who hath his life from rumors feed, rumors माने अफवाह, फ्रीड माने उसे स्वतंत्र, परे हैज, हैज होता है, हैज लिखते हैं पोइट्री में, हैज को हैज, हु हैज हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड मीन्स हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम र्यूमर, जिसका जीवन अफवाहों से मुक्त है, जो अफवाहों में विश्वास नहीं करता है। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रांग रिटी, जो व्यक्ति जिसकी अंतरात्मा, जिसकी आत्मा है, उसकी मजबूत सरल स्थली है, वो व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लटरर्स फीट, और जो व्यक्ति चापलूसों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है, चापलूसी पसंद नहीं है, ना रून मेक्स ऑपरेशंस ग्रेट, और ना तो जो विनाशकारी लोग इस का नुकसान करके महान नहीं बन सकते हैं। द पर्सन कैन नॉट बी ग्रेट बाई हार्मिंग हिम, बाई कॉजिंग ए हार्म टू हिम, सो ही हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर फीड। द पर्सन हुज लाइफ इज फ्री फ्रॉम र्यूमर, द पर्सन हु इज ऑलवेज गाइडेड बाई हिज इनर मोस्ट फीलिंग, गाइडेड बाई हिज सोल, and the person who is free from rumor, the person who is free from rumor, nor ruin make oppressors great, means oppressors means the अत्याचारी जो लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, विनाशकारी लोग हैं, they are unable to cause him any harm,
जो बुरे लोग हैं उससे वो लोग इनका कोई नुकसान नहीं कर सकते, या इनका नुकसान करके बुरे लोग कभी महान नहीं हो सकते। Who invite none whom chance doth rise, और ऐसे लोग जो who invite none, जो किसी को किसी से इनवाइट माने ईर्ष्या करना, whom chance doth rise, जिसको अवसर से किसी को मौका मिल गया, कोई जीवन में सफल हो गया, किसी और ईश्वर के द्वारा प्रदान किए गए अवसर के द्वारा जो जीवन में सफल हो गए हैं, नार वाइज अथवा जो गलत तरीके पर चल करके, कुमार्ग पर चल करके, पाप करके जो बड़े लोग हो गए हैं, तो दोनों से वो घृणा नहीं करता है। Who never understood how debates are given with praise, not rules of state but rules of good, और वो व्यक्ति he did not like the flattery, he is always free from flattery, he did not like to be flattered, चापलूसी उसको नहीं पसंद है, he likes not rules of state but rules of good, उसको राज्य के नियमों की चिंता नहीं है बल्कि उसको अच्छाई के नियमों की चिंता है। मतलब वो व्यक्ति जो है वो नियमों, राज्य के नियमों को की चिंता नहीं है, उसको चिंता ये है अच्छाई के नियमों की चिंता है। मतलब वो अच्छाई के मार्ग पर चल करके ही वो जीवन में सफल हो सकता है। तो इस प्रकार के लोग जो दूसरों से घृणा नहीं करते हैं, दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते हैं और चापलूसों से प्रभावित नहीं होते हैं और राज्य के नियमों से नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे लोग जीवन में सफल, जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। दीज आर द टिप्स फॉर अ माइंड टू बी हैप्पी इन इट्स लाइफ। नेक्स्ट, हु God doth late and early pray more of his grace than give to lend, who entertains the harmless day with a well chosen book or friend, who God doth late and early pray, the person who is God fearing, means who had firm belief in God, who God doth late and early pray, सुबह शाम जो व्यक्ति ईश्वर की पूजा करता है, उसका जिसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लेंड, पूजा किस लिए करता है, कृपा पाने के लिए, ना कि कुछ मांगने के लिए। जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि कुछ मांगने के लिए, वो व्यक्ति जीवन में सफल, जीवन में प्रसन्न रहता है। जब व्यक्ति किसी चीज को मांगता है ईश्वर से और उसकी इच्छा नहीं पूरी होती है तो वो प्रसन्न नहीं रह पाता है, वो दुखी हो जाता है। इसलिए कभी कहता है कि जो व्यक्ति ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की सुबह शाम प्रार्थना करता है, वो व्यक्ति जीवन में सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। Who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend, वो जो अपना पूरा समय अच्छी पुस्तकें पढ़ करके और अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, वो जीवन में सदैव प्रसन्न रहता है। तो इस स्टेंजा में कवि ने बताया है कि जो द पर्सन हु प्रेज गॉड डे एंड नाइट टू गेट हिज ग्रेस नॉट हिज गिफ्ट्स, एंड हु पासेज हिज टाइम विद रीडिंग गुड बुक्स एंड एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड्स, तो गुड फ्रेंड्स एंड गुड बुक्स एंड द ग्रेस ऑफ गॉड कैन मेक अ मैन हैप्पी इन हिज लाइफ। लास्ट, दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल वेंट्स ऑफ होप टू राइज आर फियर टू फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल वेंट, इस प्रकार का आदमी, किस प्रकार का, जिसके अंदर ऊपर बताए गए जो गुण उसके अंदर हैं, वो व्यक्ति जो है गुलामी के बंधनों से, सर्वाइवल वेंट्स माने गुलामी के बंधनों से मुक्त रहता है। The man who has the above qualities can be free from the servile bands of hope to rise. वो व्यक्ति hope to rise उन्नति की अपेक्षा और पतन का भय से मुक्त होता है। उन्नति की इच्छा, उन्नति और अवनति दोनों को समान भाव से ग्रहण करता है, क्योंकि सुख और दुख को जो समान भाव से ग्रहण करता है वही व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है। तो उसको ना ऊपर
उन्नति की कोई अपेक्षा आशा है, न नीचे जाने का कोई भय है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वो अपने स्वयं का स्वामी है, स्वयं का मालिक है, दो नॉट ऑफ लैंड, उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति नहीं, बहुत बड़े एम्पायर का, साम्राज्य का, भूभाग का स्वामी नहीं, लेकिन वो इन गुणों के होने की वजह से कुछ ना होते हुए भी वो अपने आप का स्वामी है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और इस प्रकार से कुछ ना होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। सो इन द लास्ट स्टेंजा, द कंक्लूडिंग स्टेंजा, द पोएट सेज दैट द पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम द होप एंड होप टू राइज एंड फियर टू फॉल एंड ही हैविंग नथिंग ही कैन बी अ लैंड ऑफ हिमसेल्फ, कुछ ना होते हुए भी वो जीवन में प्रसन्न रह सकता है। तो इस कविता में कवि ने बताया है कि प्रसन्न रहने के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो शॉर्ट में, तो प्रसन्न रहने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो किसी दूर स्वतंत्र हो, उसके विचार जो है ईमानदारी पूर्ण विचार हो, सत्यनिष्ठ हो, और वो अपनी इच्छाओं का गुलाम ना हो, मृत्यु से भय ना करता हो, निंदा और प्रशंसा को समान भाव से ग्रहण करता हो, जो अफवाहों से मुक्त है, और जो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने वाला है, और जो चापलूसों से दूर रहता है, और किसी से ईर्ष्या और घृणा नहीं करता है, और जो अच्छाई के नियमों के हिसाब से गुण दोषों का मूल्यांकन करता है, जो ईश्वर की प्रशंसा प्रातः सुबह शाम ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता है, और अपना समय अच्छे लोगों और अच्छी पुस्तकों के बीच में गुजारता है। इस प्रकार से व्यक्ति जो है वो उत्थान और पतन को समान भाव से ग्रहण करने के कारण कुछ ना होने के बावजूद भी वो अपने आप का स्वामी बन जाता है। थैंक यू।